गाइस, जैसे कि आपने देखा, पायल जोन ने सौरभ जोशी ने पायल जोन की नाक काट दी है और उसने कुछ बदला ही लिया ही नहीं। मतलब हद हो रही है। और जब हमारे यहाँ पे ऐसा हो ना, तो हम तो सीधा ठोक डालते हैं बंदे को। और इसने बेटी ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। चलो आगे देखो। सौरभ जोशी ने मेरे साथ क्या किया है? जो भी कुछ है आपके सामने है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मतलब इस बार सौरभ जोशी ने हद कर दी है, एक्चुअली हद भी नहीं करी है, उन्होंने हद पार कर दी है। गाइस, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मिस्टर इंडियन हैकर अब नहीं रहे हमारी दुनिया में। क्या विश्वास नहीं हो रहा? आप खुद सुन लो भाई, पायल जोन ने ऐसे बोला है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी अभी एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो कि है मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर इंडियन हैकर जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे, बहुत ज्यादा अच्छे यूट्यूबर थे, उनसे जुड़ी ये बात जब से मेरे को पता चली है, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, उदास हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मन नहीं था कि मैं ये वीडियो अभी बनाऊँ, बट और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ब्लॉग देखने के बाद से मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में हूँ मेंटली कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा अपने आप के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने आप को कभी इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हूँ, बट इन जैसे नमूनों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। और इसके लिए मुझे खुद पे, अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने इनकी वजह से क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाया। खैर वो गाइज, मैंने डिप्रेशन की वजह से ऐसा कर दिया था, बट अब मैं इन्हें बताऊंगी कि इनसे इन्होंने किससे पंगा लिया है। अभी इन्हें पता चलेगा कि पायलजोन क्या है। आज तक तो सब कुछ मजाक में चल रहा था, अब इनकी तो गाइस, सूचना के अनुसार मिल रही है हमको ये खबर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सौरभ जोशी ने पायल जोन के घर में आग लगा दी और वो बैठ के वीडियो बना रही है। भाई देखो, बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे इस दुनिया में, बहुत कम मिलते हैं हमें ऐसे ये लोग। मैं अभी अभी सो रही थी, सोते सोते एकदम से मुझे कुछ गरम गरम सा महसूस हुआ। जब मैंने आंखें खोल के देखा अपने चारों तरफ, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गाइस पूरा कमरा जल रहा है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। गाइस ये देखिए, पूरे कमरे में आग लगी हुई है, पूरा सोफा से लेके वाटर बॉटल तक सब कुछ जल रहा है। वहां मेरा बैग रखा हुआ है, वो भी जल रहा है। उस बैग में मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th का सारा रिपोर्ट कार्ड वगैरह है। मैं क्या करूंगी गाइस, वो भी जल चुका है, मैं उसे बचा भी नहीं सकती। इधर भी देखिए पूरा। भाई आपको पता है, पायल जोन 12th पास कर चुकी है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसने खुद ने बोला भी इस वीडियो में, कहना मेरी 12th की मार्कशीट जल गई है। तो समझ ही सकते हो, कहना पास हो चुकी है, तो अब क्या कर सकते हैं। लाइफ के वो सच में बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। आप डेफिनेटली यार, आप अपने बॉडी का एक पार्ट हमेशा के लिए जो है खो रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दर्दनाक तो होता ही है। जब आप ये बातें किसी और को बताते हैं, सामने वाले को, तो ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती है आपकी। बट गाइस फिर भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो के माध्यम से कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था, इस तरीके की जो चीजें हैं वो एकदम से कैसे हुई, सारी घटनाएं दिल पे पत्थर रख के आपको बताऊंगी। मेरे लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है वो सारी चीजें दोबारा याद करना, मेरे दिमाग में दोबारा आना, बट फिर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कल परसों में, और आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, बाद में मिलते हैं। तो चलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तो जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो वीडियो को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय।